तो हर पूरा महाराष्ट्र को एक महापालिका स्थापन कर दो, सब विकास हो जाएगा, ऐसा हमारा बात है। नहीं जरूर ना, व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था महापालिका की भी क्या है इसके बारे में आज का दिन में मैं बताना नहीं चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। संविधान दिवस के मौके पर एक बार फिर वसई विरार मनपा से 29 गांवों को निकाले जाने की उठी मांग। आज संविधान दिवस के अवसर पर वसई विरार मनपा में समाविष्ट 29 गांवों को मनपा से अलग किए जाने की मांग पर वसई तहसील कार्यालय के बाहर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक विनंती सभा का आयोजन किया। इस विनंती सभा का आयोजन कर प्रशासन से 29 गांवों को मनपा से अलग करने की मांग की। आपको बता दें कि मनपा के गठन के समय मनपा में शामिल किए गए 56 गांवों में से 29 गांवों को अलग किया जाने की मांग मनपा गठन के समय से ही की जाती रही है। वर्षों पूर्व कई बार इस मांग ने बड़े आंदोलन भी देखे हैं। तब की तत्कालीन सरकार ने गांवों को अलग करने का निर्णय भी दे दिया था, लेकिन तब मामला माननीय उच्च न्यायालय में पहुँच गया और तब से अब तक उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालयीन प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार में है। आज विनंती सभा में शामिल लोगों ने सरकार से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। देखिए यह खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। आज की क्या सभा है, जानकारी दीजिए। आज 26 नवंबर है और ये संविधान दिन है। ये इस दिन घटना समिति ने संविधान सुपुर्द किया है और इस संविधान में ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। देश की जनता का जीवन, देश की जनता की इच्छा आकांक्षा की पूर्तता, देश की जनता का स्वाभिमान आत्मसम्मान, इस बारे में इस संविधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है। भारतीय स्वातंत्र्य के बाद इस देश की जनता का जीना, इस देश की जनता किस तरह से अपना दिन जिंदगी बिताएगी, इनको कैसा आत्मसम्मान मिलेगा, ये सब ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है कि जो संविधान ने जो बताया है कि इस देश की इच्छा, जनता की इच्छा आकांक्षा की पूर्तता, ये जो इस देश में राज करने वाले जो भी होंगे, पक्ष कौन सा भी होगा, संगठना कौन सी भी होगी, ये राज्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि देश की जनता की इच्छा आकांक्षा की पूर्तता करना। वसई में से जब महापालिका वसई में स्थापन हुई थी, तभी बड़ा संघर्ष वसई के जनता ने किया था। 53 गांवों का जब समावेश वसई विरार शहर महानगर पालिका में हुआ था, उस दिन बहुत बड़ा आंदोलन ये वसई कर जनता ने किया था। वसई कर जनता की इच्छा थी कि हमें हमारी जो हरित वसई है वो हरित ही रहनी चाहिए, हमारी गावे जो है, ये जो गावे ये हमारे महापालिका के बाहर रहते हुए हमें गांव की ग्राम पंचायती चाहिए। इसलिए जो 73वीं घटना दुरुस्ती हुई थी उसमें ग्राम सभा और ग्राम सभा के ठहराव को एक कायदेशीर मान्यता मिली थी। आज वो ठहराव के वजह से सरकार ने 29 गांवों को महापालिका से बाहर निकालने का निर्णय किया था। आज वो निर्णय न्यायालयीन प्रक्रिया में आज वो बंद है, पिछले 10 साल से ज़्यादा पीरियड हो गया। आज ये संविधान के दिन के माध्यम से आज वसई कर ये सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को और
ये न्याय देवता, आदरणीय न्याय देवता को ये विनंती करना चाहती है कि हमारी इच्छा आकांक्षा और कानूनी तौर पे जो 73वीं घटना दुरुस्ती से हमारे ग्राम सभा के ठहराव का सम्मान करते हुए जल्दी से जल्दी निर्णय दे और हमारी गावे ये महापालिका से मुक्त हो। इस जगह एक अच्छा पर्यावरण को लेके काफ़ी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उसके सामने गांव के विकास की बात की जाए तो गांव का अपना जो फंड होता है कोष, वो एक सीमित होता है और महानगर पालिका कोष ज़्यादा होता है। अगर वो गांव महानगर पालिका से अलग नहीं होते तो उनका विकास ज़्यादा गति से होगा, ये आपका मानना है कि नहीं? ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वापिस हम लोग इसी को हम संविधान से जोड़ना चाहते हैं हम, क्योंकि अगर गांव भी हो या महापालिका हो तो गांव के विकास के लिए निधि देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है और महापालिका को निधि देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अगर यही बात है तो हर पूरा महाराष्ट्र को एक महापालिका स्थापन कर दो, सब विकास हो जाएगा, ऐसा हमारा बात है। आज की वस्तु स्थिति ऐसी कि गांव में कचरा उठाने तक की व्यवस्था नहीं है, वो महानगर पालिका के भरोसे है, जो गांव अभी फिलहाल महानगर पालिका में शामिल नहीं है उनमें भी, तो इस बारे में क्या कहें? नहीं, जरूर ना, व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था महापालिका की भी क्या है इसके बारे में आज का दिन में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वो डिबेट भी मुझे नहीं करना है। लेकिन गाँव को अगर सशक्त बनाए, केंद्र सरकार का धोरण है, ग्राम विकास का धोरण है, महात्मा गांधी जी ने भी वही बताया है। इस देश का गांव आज वैसे ही छोड़ दो खाली, इस देश का हर गांव कोने में हुआ गांव भी अगर सशक्त हो जाएगा तो ही ये देश सशक्त बनेगा, ये विश्वास हमें है और इस विश्वास से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव मुक्त कीजिए, हम सरकार की सहायता से हमारे गांव का अच्छा विकास करने का कोशिश करेंगे और हम सफल भी होंगे। इसके आगे क्या रणनीति है? आज हम ये निवेदन देने जा रहे हैं तहसीलदार साहब के माध्यम से, क्योंकि उद्धव जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आगे हमें उद्धव ठाकरे साहब से हमने मुलाकात के लिए एक खत दिया हुआ है, आज भी इसमें लिखा हुआ है, आज के पत्र में लिखा हुआ है, अगर ये मुलाकात अगर होती है, नहीं तो वसईकर जनता हमारी अपनी मांग लेके मातोश्री चलते हुए मातोश्री मिलने को उद्धव जी से जाएंगे। हमें विश्वास है कि उद्धव जी ये गांव निकालने के बारे में पूर्णतः सहमत है, उन्होंने शब्द भी दिए है और उनकी कृति भी उसी तरीके से है। हमें विश्वास है कि आज का जो पत्र जाएगा, आज का जो ये सभा है, इससे जो संदेश उनके तक पहुंचेगा तो उद्धव जी इस प्रशासन को गतिमान करेंगे और न्यायालय से हमारे गावे निकलने के लिए जल्दी निर्णय हुआ इस तरीके से वो उन्हें आदेश दे देंगे। यह सभा किस संगठना ने बुलाई और कौन कौन सहयोगी है? इसमें संगठना नहीं है, ये ग्राम स्वराज्य अभियान करके है, इसमें सब संगठना है, कोई राजकीय। जब ये गांव का आंदोलन हुआ था, बड़ा 1,00,000 का मोर्चा बनाया था, 65,000 तीन मोर्चे निकले थे हर पार्टी के और लास्ट में बड़ा 1,00,000 लोगों का मोर्चा निकला था, कई किसी के झंडे नहीं। हम मीटिंग में भी अभी मेरे बात में भी बताया कि पहले हम वसईकर है, बाद में हमारी संगठन हमारा राजकीय पक्ष है, अगर भवितव्य वसई का बदलना है तो हमें पहले वसईकर रहना है। एक सवाल भारत देव से आपसे है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी आपके एजेंडे में कौन कौन सी मूलभूत सुविधा उनके लिए शामिल? नहीं, वापिस मैं संविधान पे आता हूँ कि जो नेतृत्व करते हैं, जो लोक प्रतिनिधि हमने जो संसदीय लोकशाही पद्धति जो चुनी हुई है, इसमें उस क्षेत्र का विकास करने की जिम्मेदारी जो है वो उस क्षेत्र का विकास करने की जिम्मेदारी वहाँ के लोक प्रतिनिधि के ऊपर है, भले वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के होने दो, लेकिन वो खासदार हो, आमदार हो, नगर सेवक हो, वो स्थानिक प्रशासन हो और सरकार का उनको पूरा सहभाग मिलना चाहिए। अगर वो होगा तो आज भी ग्राम पंचायत भी अपना विकास खुद कर सकती है। क्या आपकी मांगों में शामिल है मूलभूत सुविधा? हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।